हेलो दोस्तों, स्वागत आप सब लोगों का इस नए ब्लॉग में। और आज का विषय जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो एक काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम की विनोद है। काफ़ी उठपटांग है। मैं कल परसों या हफ्ते से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, हर जगह यार ये विनोद विनोद ने काफ़ी आतंक मचा रखा है। चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ले लीजिए आप, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, हर जगह सब विनोद विनोद लगे हैं। और जो कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो लाइव स्ट्रीम करते हैं, उनके कमेंट में भी लोग जो है भर भर के विनोद 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 लिख रहे हैं। तो कौन है ये विनोद, कहाँ मिलेगा ये विनोद, कैसे मिलेगा विनोद, अगर आपको जानना है और देखना है तो वीडियो लास्ट तक देखिए, और वीडियो के लास्ट में हमको आखिर पता लग जाएगा कि ये विनोद कौन है। तो गाइस, आज का ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ब्लॉग के लास्ट में हमें जो है पता लग जाएगा कि विनोद कौन है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा चैनल। मैं सिंगापुर के बारे में ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और हो सकता है आपको काफ़ी हेल्पफुल भी। सो गाइज, अभी मैं एक ऐसी ऐप को यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है, रेंडोनोटिका। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब ऐप है। बेसिकली जब आप इसे डाउनलोड करते हो तो ये अपने टर्म कंडीशन जो है सब आपको बता देती है। इसके बाद जो है आपकी लोकेशन जो है मांगती है, जब आप अपनी लोकेशन इसको सेंड करोगे तो उसके बाद जो है ये आपको एक जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेशन देती है, जो बेसिकली एक लोकेशन होती है। तो आप मैप के जरिए उस लोकेशन तक पहुंच सकते हो इस ऐप का यूज़ करते हुए। तो काफ़ी एडवेंचर जिनको पसंद है और नई नई जगह पे कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए, तो उन लोगों के लिए ऐप काफ़ी मज़ेदार है। तो अभी मैं इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक ठाक ही, आपको एक लोकेशन देगी, आप मैप फॉलो करके वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपके माइंड में क्या इंटेंशन है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से आपका दिमाग पढ़ के जो ये है आपको लोकेशन देती है। आपको वहाँ पे खोजना होता है कि इसने आपको क्या दिया है। तो ये काफ़ी मज़ेदार है। तो गाइज, मेरे दिमाग में तो अभी केवल विनोद विनोद चल रहा है। सो देखते हैं हमें क्या देती है लोकेशन और कहाँ हमें मिलता है ये विनोद। गाइज, मैं जो है बिल्कुल भी इस ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं पहली बार इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ और ना ही मुझे किसी ने प्रमोशन करने के लिए कहा है, ना ही मुझे कोई पैसा मिला इस ऐप को बताने के लिए। बस मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और भाई, जो लोग भी इस ऐप को यूज़ करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अपने रिस्क पे करिए। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप कहीं रिस्क में आ जाएं, तो देख के करिएगा और रूल रेगुलेशन फॉलो करके इसको यूज़ करिएगा। इस ऐप में साफ लिखा है कि आप डेंजरस जगह है, जैसे रेलवे हो गया, कोई खतरनाक जगह जहाँ पे आपको रिस्क हो सकता है, इस जगह पे ना जाएं, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में ना घुसें, हो सकता है कभी कभी लोकेशन आपको ऐसी जगह पे दे दे। तो लोकल रूल्स और जो कम्युनिटी, सबके रिस्पेक्ट करते हुए आप फॉलो करिए और फन की तरह लीजिए इसे, और डेंजरस जगह से बहुत बाहर रहिए। तो गाइस, ये ऐप जो है लेट जून में काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, क्योंकि एक टिकटॉक यूज़र हैं, उनका नाम है, उनका यूज़र आईडी है @YugHenry। उन्होंने इस ऐप को यूज़ करते हुए एक ऐसी लोकेशन तो उनको पहुंचा दिया था जहाँ कि उन्हें एक बैग मिला, और उस सूटकेस में गैस क्या मिला उनको, उस सूटकेस में गैस उनको एक डेड बॉडी मिली। जी हाँ, ये रियल है। उसके बाद काफ़ी जर्नलिस्ट वहाँ पे गए तो उन्होंने पाया कि ये सच वाली घटना थी। और आप ऑनलाइन बहुत सारी स्टोरी रिलेटेड इस ऐप से देख सकते हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस हैं। इन ऑर्डर की सेफ्टी रेगुलेशन अगर हम फॉलो करें तो अपने रिस्क पे इसे यूज़ करिएगा। तो दोस्तों, लोकेशन हमें मिल चुकी है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं मैप पे। ये यहाँ पे बेसिकली एक फ्लायर है, उसके आसपास ये लोकेशन बता रहा है, काफ़ी नज़दीक है। सो चलो हम चलते हैं विनोद को ढूंढने। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा मुझे लोकेशन मिल चुकी है, जो कि यहाँ से लगभग 4 या 5 मिनट का रास्ता है। तो जो हमारा एनर्जी पॉइंट है, लोकेशन पॉइंट, उसी का नाम मैंने जो है विनोद रखा है। तो हमारी जो लोकेशन, जो टारगेट है ना, उसका नाम मैंने विनोद रखा है। तो कुछ गलतफहमी मत रहना आप, और जो भाई विनोद है, जितने भी नाम के, वो भाई ऑफेंड मत होना, ये केवल एक जोक है, जोक की तरह लेना। तो चलो यार, आगे चलते हैं बिना किसी देरी करते हुए और ढूंढते हैं हमारा टारगेट पॉइंट विनोद में हमें क्या मिलता है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि विनोद की कहानी क्या है, वैसे आप लोगों में से मोस्टली को पता होगा कि विनोद क्या है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूँ, एक यूट्यूब चैनल है स्लेव पॉइंट, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी गार्बेज कमेंट पे, जो कि यूट्यूब पे करते हैं लोग। उनमें एक कमेंट था, उस चैनल का नाम था विनोद थारू। तो उन्होंने कमेंट में लिखा था केवल विनोद, और वो बहुत सारी जगह ऐसे ही काम करते थे, केवल विनोद लिख के छोड़ देते थे। तो उस कमेंट पे 7 लोगों ने लाइक किया था। तो फिर जो स्लेव पॉइंट के यूट्यूबर हैं, उन्होंने उसको हाईलाइट किया था कि ऐसे भी लोग हैं जो कमेंट में केवल विनोद करते हैं, और उनकी
और इसी तरह उनकी विनोद की विनोदता जो है सात समुंदर पार पहुंच गई है, और मुझे नहीं पता लोग क्यों हर जगह विनोद 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 कर रहे हैं तब से। तो यही एक कहानी है उसके पीछे, ना कोई लॉजिक है ना कोई कॉमन सेंस है, बस लोगों ने मजाक के लिए फ़न फन के लिए विनोद को एकदम सुपरस्टार और हिट कर दिया। तो यही है और हम भी इसी के ऊपर बना रहे हैं आज। गाइस अभी मैं जो लोकेशन के एकदम नज़दीक आ चुका हूँ, जो कि लगभग यहाँ से 20 से 30 मीटर है फायर के उस पास, यहाँ पे काफ़ी आवाज़ आ रही है और गाड़ियों का आपको जैसे सुनाई दे रहा होगा तो ऑडियो इतनी क्लियर नहीं होगी। तो अभी मैं फायर क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ, ओवरहेड ब्रिज है यहाँ पर, तो देखते हैं लोकेशन पर क्या मिलता है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोकेशन के बिल्कुल करीब हैं, ये जो यहाँ पर फ्लाईओवर आपको दिख रहा होगा मेन रोड ये है, और ये लोकेशन आई थिंक ये जो फ्लाईओवर है इसके बीच में है, ये जो घास है इसमें कुछ है शायद, तो यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है वहाँ के रूल्स के हिसाब से, क्योंकि आप हाईवे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक हमें कुछ जो ये लोकेशन दे रहा है वो एकदम एग्जैक्ट हमें पता नहीं लग पाया कि है क्या। तो हमारा विनोद यार यहाँ पे ढंग से मिल नहीं पाया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ये ऐप को जो है ढंग से यूज़ करूँगा और देखूँगा कि ये ऐप कितना असरदार है, दूसरी लोकेशन पे जाके ट्राई करूँगा। तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली हमें जो विनोद नहीं मिला, लोकेशन ऐसी थी कि हाईवे के बीच में, वहाँ पर भाई लॉ हम नहीं जा सकते हैं और लॉ तोड़ना क्राइम होता है। तो एज एग्ज़ाम्पल आपको ये ऐप जो है ऐसी लोकेशन दे सकता है टारगेट के रूप में जहाँ पर आपको अलाउड नहीं होगा जाना, तो मत जाइएगा। जैसे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, रेलवे या हाईवे, काफ़ी डेंजरस है आपके लिए भी औरों के लिए भी, तो मत जाएं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे अभी मुझे थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम भी है क्योंकि मेरा बैक जो है क्रैम्प हो गया है, तो मुझसे जो है बेंड डाउन यानी नीचे नहीं झुका जा रहा है, और कुछ चीज़ें जो मैं लिफ्ट नहीं कर सकता हूँ काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए मैं थोड़ा आराम ले लूँ या ब्लॉग ना आए इस चैनल पे रेगुलरली, तो आप ऑफेंड मत होना यार, नाराज मत होना, मैं डालता रहूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और अपना सपोर्ट करिए यार जितना आपसे हो सकता है, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, और हाँ वो ऐप के बारे में भाई अपने रिस्क पे यूज़ करिएगा, मेरा इसमें कोई पार्ट नहीं है, ना प्रमोट कोई इंटेंशन नहीं है, ना प्रमोट करने की ना आपको इम्पोज करने की, आप इसको यूज़ करिए ही करिए। हाँ जैसे एडवेंचर है फ़न के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेंजर या रिस्क वाली जगह पे आप, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मत जाइए, और हो सकता है किसी ऐसी जगह आपको लीड कर दे जहाँ पे कि कुछ बहुत सारे जैसे भूतिया जगह ये वो जो भी होता है, वैसे इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, लेकिन हो सकता है यार होता होगा कहीं पे, तो ऐसी जगह से दूर ही रहिएगा तो अच्छा है। और वो जगह थी ना वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, हो सकता है कुछ चूहा चाहा ऐसा कुछ मरा हो वहाँ पे, लेकिन स्मेल काफ़ी थी आ रही थी वहाँ पे, तो जैसे मुझे लगा कि कोई चूहा ही मरा होगा क्योंकि लोकेशन ही ऐसी थी, वो नाला भी था बगल में, तो ओबियसली स्मेल आएगी। तो चलो ख़त्म करते हैं ब्लॉग को और मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद।